सुप्रभात बिहार, मैं हूं अंकित अमन और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। आज सुबह सुबह मैं पेश करता हूं आपके सामने बिहार की और भारत की कुछ ताजा खबरें। जदयू की कार्यसमिति की बैठक 31 जुलाई को दिल्ली में होनी है, जिसके कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली रवाना होंगे। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी पटना में शुरू किया गया ग्राम उजाला योजना, जिसके तहत LED बल्ब ₹10 में मिलेगी और इसकी वारंटी 3 साल की होगी। बिहार में बदला GST कानून। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड कंपनी ने 513 पद पर निकाली भर्तियां, जिसकी जानकारी आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट hurl.net.in पर ले सकते हैं और उस पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। पंचायत वार्ड सचिव संघ पर हुआ लाठीचार्ज। पंचायत वार्ड सचिव संघ का आरोप था कि सरकार ने 4 साल से उनको कोई मानदेय नहीं दिया है, जिसके कारण पंचायत वार्ड सचिव संघ ने किया था प्रदर्शन, जिससे पुलिस में झड़प होने के साथ उन पर किया गया लाठीचार्ज। प्रधानमंत्री मोदी ने मेडिकल कॉलेज में आरक्षण को लेकर किया एक बैठक, जिसमें कुछ अहम फैसले लिए गए, जिसमें OBC को 27% आरक्षण और जनरल के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बिहार के डाकघरों में मिलेगा राखी स्पेशल लिफाफा। वाटरप्रूफ लिफाफा भी निकाला गया है, जिसकी कीमत ₹10 होगी और डाक टिकट के पैसे अलग से लगेंगे। पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने से सरकार ने किया इनकार। 1 अगस्त से खुल जाएगा गया एयरपोर्ट। बिहार के सभी थानों में लगेगा महिला डेस्क। महिलाओं को कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए स्पेशल महिला डेस्क की व्यवस्था की गई है। लालू यादव ने की तेजस्वी यादव की तारीफ, कहा राजनीति में ये हमसे भी आगे निकल चुके हैं। कोरोना के कारण बिहार विधानसभा की बैठक 5 दिनों की होनी है, जिसका आज अंतिम दिन है। वहीं राजद के प्रवक्ता आसन को बेईमान कहकर संबोधित किए, जिससे आसन नाराज हो गए। साथ ही विधानसभा में काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए नए ऐप लॉन्च करने की है प्लानिंग। झारखंड के धनबाद में 28 जुलाई बुधवार को एक जज की हो गई एक्सीडेंट से मौत। जब CCTV फुटेज सामने आया तो ऐसा दिखा कि यह घटना पहले से प्रायोजित थी, ऐसा नहीं था कि यह सिर्फ इत्तेफाक था। RBI ने यह फैसला लिया है कि जल्द ही चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च, जिसमें 2 तरह के करेंसी होंगे। एक तो रिटेल करेंसी होगी और दूसरी होलसेल करेंसी होगी। रिटेल करेंसी का उपयोग आम आदमी और कंपनी करेंगे और होलसेल डिजिटल करेंसी का उपयोग वित्तीय संस्थाएं करेंगी। धन्यवाद, आप बने रहिए बीटी न्यूज बिहार के साथ और हम आपको पेश करते रहेंगे रोज सुबह की ताजा खबरें।